सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विवि में भ्रष्टाचार व पैट परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चौथे दिन शुक्रवार को जारी रहा। इस दौरान कुलपति की सद्बुद्धि के लिए छात्रों ने ढोल ड्रम झाल बजाने के साथ भजन कीर्तन किया। प्रातः कार्यकारिणी सदस्य प्रभात मिश्रा ने कहा कि कुलपति को हर हाल में ऐसे भ्रष्ट व अयोग्य पदाधिकारी को बर्खास्त करना होगा। सोशल मीडिया संयोजक रणविजय सिंह ने कहा कि छात्राओं व CST छात्रों का PG का निःशुल्क शिक्षा है, फिर भी सभी महाविद्यालय विकास मद के लिए 2000 से 4000 रुपये वसूल रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का, आम छात्रों का, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एक मांग नहीं है, बहुत सारा मांग है। मुख्य मांग ये है कि पैट का जो परिणाम आया है उसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है, घोटाला किया गया है, उसका जल्द ही पर्दाफाश होगा और VC साहब को इसका परिणाम रद्द करना पड़ेगा। हालाँकि आज 4 दिनों से यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर देखने नहीं आए हैं और मस्त है सभी, यहाँ पे घोटाले करके सभी मस्त हैं, सबको गुरूर है अपने पद का, कुर्सी का, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान भी है, सील भी है और एकता तो उनको नज़र आ ही जाएगा कि एकता कितना है। और ऐसा समय आ जाएगा कि उनको बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट के और फिर से अपने गृह जिला में जाना पड़ेगा। जैसे विश्वविद्यालय को लूट के खोखला कर रहे हैं, छात्रों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ पर अराजकता का पूरा अड्डा बना दिए हैं, दलालों का अड्डा बना दिए हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा छात्रों के द्वारा। और ये काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता चाहे 1 महीने में कर सके, 2 महीने में कर सके या 3 महीने बैठना पड़े, बैठेंगे। क्या कुछ कहा जाता है, कभी बात हुई है? कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई है, किसी भी पदाधिकारी का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सभी अपने आवास पे सोए हुए हैं। यहाँ पे आके कोई प्रतिक्रिया किसी छात्रों से नहीं लिया गया है, लगातार लूटने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा रहा तो विद्यार्थी परिषद निरंतर ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आगे की रणनीति यही है कि अनिश्चितकालीन धरना होगा, यही नहीं राजभवन में भी धरना होगा, यहाँ नहीं माने तो। मयंक मिश्रा, अभावीप कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर।